विशेष सत्र के अंतर्गत जहां पर हम युवतियों की समस्याओं के प्रति हमारे क्या सामाजिक दायित्व हैं, इस विषय को लेकर करके सदन के साथ बात हमारे करेंगे प्रमुख वक्ता भाई प्रफुल्ल जी पारक, एक ऐसे व्यक्ति जो मूलतः नागपुर के निवासी हैं, एंटीक ज्वेलरी का और रत्नों को परख करने का व्यवसाय जिनका रहा है और आज भी कार्यकर्ताओं को परख करके उनके माध्यम से इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने का वे कार्य कर रहे हैं। 1992 में जिनका रिश्ता इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, जो शांतिलाल जी साहब मूथा के साथ जुड़े, और 1992 के बाद आज तक जब जब भी जो दायित्व दिया गया, जैसा कि अभी शुभारंभ समारोह के अंतर्गत में आदरणीय शांतिलाल जी साहब मूथा ने कहे कि एक छोटे से कार्यकर्ता से आगे बढ़कर करके किस तरीके से जिला अध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष से होते हुए राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री पद तक के पदों को उन्होंने सुशोभित किया है, अनेक पदों के ऊपर में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए संगठना को जिन ऊंचाइयों तक वे लेकर के गए हैं, वर्तमान के अंतर्गत में इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी विगत समय के अंतर्गत जिन्होंने लगातार 5.5 माह तक इस राष्ट्र के 20 राज्यों के अंतर्गत 162 सभाएं लेते हुए एक सामाजिक कीर्तिमान को स्थापित किया, एक ऐसे कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता जो एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, हम सभी भारतीय जैन संगठना के लोग जो उनके समीप में आए हैं, एक शब्दों के जादूगर के रूप में उपाधि देते हुए जिस व्यक्ति से परिचित हैं, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूं इस व्यक्ति के प्रति कि भाई प्रफुल्ल जी, जिस दृढ़ता के साथ आप कार्य करते हैं कि मंजिल उन कदमों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन कदमों को मिलती है जिनके सपनों से जान होती है। अरे भाइयों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अपने हौसलों के बराबर उड़ान स्थापित करने वाले, जो भी दायित्व उन्हें दिया जाता है उसको पूर्ण करने वाले एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति भाई प्रफुल्ल जी पारक आज हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित हैं। प्रमुख वक्ता के रूप के अंतर्गत में मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे यहां पर आएं और इस गंभीर विषय के ऊपर में, जो आज इस राष्ट्र के अंतर्गत एक गंभीर विषय के रूप में हमारे समक्ष बना हुआ है, हम सभी का मार्गदर्शन करें। भाई प्रफुल्ल पारक। सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, लगभग 20-25 मिनटों में जिस विषय पर मुझे विचार व्यक्त करने हैं, वह विषय है इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ यंग गर्ल्स, ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। युवावस्था की बेटियों के क्या प्रश्न हैं, क्या समस्याएं हैं और उस पर हमारा सामाजिक दायित्व क्या है। मित्रों, युवावस्था में जब बेटी आती है अपने परिवार में, घर में बेटियां जब युवावस्था में आती है, तो हर घर परिवार के लोगों को, हर व्यक्ति को मन में चिंता होने लगती है। हम चिंतित रहते हैं। आज हर घर में, हर परिवार में बेटियां जिन्होंने स्कूल कंप्लीट किया, स्कूल डेज कंप्लीट करने के बाद में कॉलेज में पदार्पण किया और अभी विवाह होना बाकी है, लगभग 15 से 25 वर्ष की आयु की इन बेटियों के प्रति हमें चिंताएं हैं। चिंता बेटी से नहीं है, चिंता बेटी से नहीं है, अरे बेटी तो हमारी है, बेटी हमारे परिवार की है, हमारे समाज के द्वारा संस्कारित है। चिंता बेटी से नहीं है, चिंता आज के जमाने से है। ये जमाना जो डिटोरिएट होता जा रहा है, बेटियों के प्रति जो हमारे मन में चिंता रहती है, घर से बेटी
युवा अवस्था की बेटी घर से बाहर जाए, कहकर जाए शाम को 7 बजे तक आती हूं मम्मी, और आधा घंटा एक घंटा अगर लेट हो जाए तो मन नहीं लगता किसी काम में, बेचैनी रहती है, फोन पे फोन, और कोई वजह से फोन ना लगे तब तो पूछो ही मत। जमाने की अवस्था को देखते हुए हम चिंतित रहते हैं। ढेर सारी घटनाएं घट रही हैं, आए दिन समाचार पत्रों में हमारी बेटियों के बारे में, हमारे देश के बेटियों के बारे में जिस तरीके की खबरें आती हैं मन को विचलित करती है, ठीक से नींद नहीं आती। अभी 1.5 साल पहले 2012 को एक घटना घटी दिल्ली में जिसने झंझोड़ के रख दिया पूरे देश को। 10,000 से ज्यादा युवा लोग जंतर मंतर पर कैंडल लेकर खड़े हुए, कड़े से कड़े कानून की मांग करने लगे, बसों पर से और कारों में से काले पर्दे हटने चाहिए, रात को पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए, पुलिस थाने में रात को पुलिसकर्मी होनी चाहिए, मौत का प्रावधान होना चाहिए। भला हो वर्मा कमीशन का जिन्होंने ये सारी की सारी अपेक्षित बातों को रिकमेंड किया और सरकार ने इसे स्वीकार कर आज कानून में परिणित किया। आज कानून है, ये सारे कानून मौजूद हैं, मगर प्रश्न मन में यह है क्या इस देश में बेटियां सुरक्षित हैं? 4 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की महिला तक, 4 वर्ष की बिटिया से 80 वर्ष की महिला तक इस देश में कोई महफूज नहीं। और इसीलिए मित्रों केवल कानून से काम नहीं चलेगा। कानून चाहिए था, यस चाहिए था, बन गया, लेकिन केवल कानून से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए मित्रों कानून के साथ साथ जिस और एक चीज की आवश्यकता थी वह है हमारा अपना सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल नियम और कायदों से इन बातों के ऊपर प्रभाव डालना, डर पैदा करना और डर से इस बात की रोकथाम करना यह संभव नहीं है। सामाजिक दायित्व को हाथ में लेना होगा, सामाजिक जिम्मेदारी को हमें समझना होगा। मैंने ढेर सारे लोगों को मिला मैं, और आप सब जैसे जानते हैं कि अभी पिछले 5 महीने तक पूरे देश में जिस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से मैं घूमता रहा, मैं ढेर सारे लोगों से मिला, ढेर सारे लोगों से मैंने बात की, अलग अलग जगह सामाजिक संस्थाओं के लोगों की सोच को मैंने जानने की कोशिश की, सरकार की सोच को जानने की कोशिश की, कितने सारे सामाजिक संगठनों को मैंने देखा, बेटी बचाओ आंदोलन पर काम कर रहे हैं, जरूरी काम है। कितने सारे राज्य सरकारों को मैंने देखा है बेटी बचाओ आंदोलन पर काम कर रहे हैं, जरूरी काम है, सरकार को भी करने पड़ेंगे, समाज को भी करने पड़ेंगे। मगर मन में एक बात की कहीं ना कहीं टीस है मुझे, मन में कहीं एक बात की कहीं ना कहीं कसक है मुझे कि मैंने सरकार की जितने भी कार्यक्रमों को जाना देखा, मैंने स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों को जाना और देखा बेटियों के संदर्भ में, अधिकांश कार्यक्रम मित्रों मात्र और मात्र बैनर के ऊपर टंगे ही रह गए हैं ऐसा मैं मानता हूं। कोई ठोस योजना, कोई ठोस विचार, बेटी बचाओ यानी क्या, बेटी बचाओ के आंदोलन यानी क्या, इसके लिए कौन से काम, इसके लिए कौन सी योजना, इसके लिए क्या हम समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, बेटियों के लिए कौन सी योजनाएं सामने ला रहे हैं, बेटियों को किस तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं, बेटियों को किस तरीके से आज की बातों के ऊपर, आज की समस्याएं क्या हैं इसका अवेयरनेस, और इस अवेयरनेस के साथ आज के इस बदले हुए जमाने में किस तरीके से व्यवहारिक रूप से जीना, इसकी क्या योजनाएं,
और मित्रों, आप सब जो देश भर से अपना जीवन समर्पित सामाजिक क्षेत्र में आप लोगों ने किया हुआ है, अगर मुझे देश भर में कहीं उम्मीद और अपेक्षाएं हैं तो आप सब लोगों के माध्यम से इस विषय पर काम करने की अपेक्षा है। मित्रों, हमारे में संवेदना है, हमारे में वो जज्बा, वो मन है। इस देश की बेटी की चिंताओं में हम चिंतित होते हैं, और केवल हम चिंतित नहीं होते, हम उसका रास्ता दिखाने का काम करने वाले हैं। वो लोग हम लोग हैं। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे संस्थापक आदरणीय शांतिलाल जी मूथा की सोच को, जिन्होंने 10 साल पहले बेटियों के संदर्भ में विचार किया, बेटियों की समस्याओं को नजदीक से जाना, समझा, इनडेप्थ स्टडी की और अपने अनुभव के आधार पर इन बेटियों को सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसे मिलेगी, परिवार में जीने का माहौल कैसा स्थापित होगा। आज के बदलते हुए जमाने में मीडिया और टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल ये कैसे कर सकें, विवाह को किस दृष्टिकोण से देखें, नए मित्रों का चयन कैसे करें, अपने सेल्फ एस्टीम को हाई कैसे रखें, इन सारी बातों को, इन सारे संदर्भों को बांधकर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल टू फेस द सोशल चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी नामक ये वर्कशॉप, 3 दिन की वर्कशॉप, मात्र समाज को, जैन समाज को ही समर्पित नहीं किया, बल्कि जैन समाज के साथ साथ इस देश को यह वर्कशॉप समर्पित किया। मैं इस सोच को सैल्यूट करता हूं मित्रों। केवल बातें नहीं कि हमें बेटी बचानी है, बेटी बचाने का आंदोलन करना है। कैसे करेंगे आंदोलन, योजना क्या है? हम योजना के साथ समाज के सामने हैं, योजना के साथ हम देश के सामने हैं। 10,000 से ज्यादा बेटियों को, 12,000 से ज्यादा बेटियों को हमने अभी तक इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया। सैकड़ों बेटियों ने इस वर्कशॉप को सम्मिलित होकर, वर्कशॉप को अटेंड करके और वर्कशॉप के माध्यम से बातों को जानकर, समझकर, वर्कशॉप से ट्रेनिंग लेकर सैकड़ों बेटियों ने जब अपने विचार व्यक्त किए, जब अपने उद्गार व्यक्त किए, जब अपने मन का भाव पब्लिकली व्यक्त किया, ऐसे ऐसे प्रसंग मैं जानता हूं जहां पर बेटियों ने कहा कि ये वाली बात जो हमें इन 3 दिनों में मिली, उम्र 20 साल हो गई है, 20 साल जो नहीं मिल सका वो इन 3 दिनों में मिला। बेटियों ने कहा, मैंने खुद मंच पर सुना बेटियों को बोलते हुए, बेटियों ने कहा कि अगर ये वाले 3 दिन की ये वर्कशॉप और इसकी सारी बातें हमारे मन में नहीं आती, हमें जानने को नहीं मिलती, तो यहां से आगे कुछ कदम गलत होने वाला था, लेकिन अब वो कदम गलत नहीं होगा। वेरी पावरफुल मैसेजेस आर देयर इन दिस वर्कशॉप। और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहली जरूरत है अपने परिवार के साथ मन मिलाना। आज परिवार के साथ ये युवा अवस्था के बच्चों का गैप है, बढ़ते जा रहा है गैप। मैं जानता हूं जनरेशन गैप हमेशा रहा है, हमेशा 2 पीढ़ियों में अंतर रहा है, मगर ये वाली पीढ़ी, ये वाला वक्त जहां पर 2 पीढ़ियों में, बच्चों में और माता पिता की इन 2 पीढ़ियों में आज का जो वक्त है, ये दोस्ती का वक्त है, फ्रेंडशिप का वक्त है। और यहां जो दोस्ती होने वाले इस दौर में, इस जमाने में, हम बाहर ढूंढ रहे हैं दोस्त। सारे युवावस्था के लोग जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर है, वॉन्ट टू बी फ्रेंड, सबको वर्चुअल फ्रेंडशिप चाहिए। अरे परिवार में जिनके साथ दोस्ती होने की जरूरत है, उनके साथ हमारा टाइम का आदान प्रदान नहीं हो पाता, और जिनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, ऐसे लोगों से हम दोस्ती कर रहे हैं। वर्चुअल फ्रेंडशिप का जमाना हो गया है, इसे बदलना होगा। वर्चुअल फ्रेंडशिप करने की जरूरत है, वो जरूर करें, मगर उसके साथ साथ हम घर में मन कैसे लगे, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंडशिप हमारी अगर किसी से आज के जमाने में होनी चाहिए, और अगर वो हो सकती है तो वो परिवार के साथ हो सकती है। इस कोर्स के माध्यम से, इस वर्कशॉप के माध्यम से हम इस बात को स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
और इसीलिए मैं माता पिताओं के साथ एक विशेष रूप से बात बोलना चाहता हूं। अधिकांश पेरेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, हमें अपने युवा अवस्था के बच्चों के बारे में, खास तौर से बेटियों के संदर्भ में, उनकी सुरक्षा की अगर हमें बात समझनी हो, क्योंकि सुरक्षा के लिए चिंता हम करते हैं मगर उपाय नहीं करते। मैं रिपीट करूं अपनी बात को, सुरक्षा के लिए हम चिंता करते हैं लेकिन हम उपाय नहीं करते। किन परिवारों ने क्या उपाय किया, आप खुद अपना आकलन करिए कि हमारे पास क्या उपाय, हम क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, उपाय क्या कर रहे हैं, शायद ही कोई उपाय हमारे पास है। समाज के पास क्या उपाय है, शायद ही कोई उपाय है। और इसीलिए खास तौर से पेरेंट्स को मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि युवा अवस्था की बेटियों के संदर्भ में दोस्ताने का माहौल रखें, बदले हुए जमाने में कि उनकी सोच को और उनकी जरूरत जो बदल गई है उसके ऊपर ध्यान रखें, उनके ऊपर भरोसा रखें। हम बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, और इतने ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि प्रैक्टिकली मन से वे हमारे से दूर हो जाते हैं। हमारी अपनी संस्कृति है कि उन्हें रहना पड़ता है साथ में, लेकिन मन से साथ में रहना जरूरी है। फिजिकली साथ में रहना कोई साथ रहना नहीं है, और मन से साथ में रहने के लिए हमें उनके साथ में दोस्ती रखनी होगी, उनको समझना होगा, आज के जमाने में बदली हुई जरूरतों को जानना होगा और वो भी समझना होगा, और उस तरीके से हमारे अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। ये हमें पहला काम करना होगा मित्रों। अगर हमने अपना रोल पहला प्ले किया, अगर हमने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, तो निश्चित रूप से युवा अवस्था के लोगों से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि फिर वे भी इस बात के ऊपर लक्ष्य करें, ध्यान करें। आज के जमाने में ये युवा पीढ़ी को, इन बच्चों को, खास तौर से युवा बेटियों को खूब आजादी चाहिए। आज के जमाने में युवाओं में आजादी की ललक है, आजादी की जरूरत है। अब वे किसी के बंधन में रहना नहीं चाहते, अब वे अपने में मस्त रहना चाहते हैं, और इसीलिए वे आजादी चाहते हैं, फ्रीडम। हमारी पीढ़ी में इतनी फ्रीडम की जरूरत हमें थी नहीं, न मिली और न अपेक्षा भी थी। हमारे पहले की पीढ़ी में तो फ्रीडम और कम थी हमसे भी, और उनको तो बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं थी, मगर मेरी अगली पीढ़ी को फ्रीडम मिल रही है, और जितनी मिल रही है उतनी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। और मित्रों, हम सब ये बात जानते हैं कि फ्रीडम अगर एक्सेप्ट करनी है और फ्रीडम अगर एग्जीक्यूट करनी है तो फ्रीडम कम्स अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये वाली बात इनके मन में बैठाने की जरूरत है, और ये बात बोलकर नहीं बैठती। फ्रीडम चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनो, फ्रीडम चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनो, फ्रीडम चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनो। हम ये जो बोलने का काम करते हैं इससे और डिटैचमेंट होता है। फ्रीडम बोलकर नहीं मांगी जाती और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर नहीं दी जाती। हमें उस तरीके का व्यवहार करना होगा, हमें रिस्पॉन्सिबल उन्हें मानना होगा, और हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, और अपने अपने स्वयं के कार्यों से अपने वी पेरेंट्स हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर अवर चिल्ड्रन। यंगर जनरेशन के लिए हमें रोल मॉडल बनना होगा। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे उस तरीके के व्यवहार को वो एक्सेप्ट करेंगे, और इसीलिए फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपस में तालमेल क्या है, हम इस वर्कशॉप के माध्यम से इन बेटियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और ये पहली सीढ़ी होती है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अलोंग विद द फ्रीडम। हमें रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है इस वर्कशॉप में, बेहतरीन तरीके से इस 3 दिन के वर्कशॉप में पूरी तरीके से इनके माइंड में सेट हो जाता है हाउ वन हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलरली एट दिस यंग एज। इसके अलावा इन युवावस्था की बेटियों को नए नए मित्रों का चयन कैसे करें, स्कूल छोड़ कॉलेज में पदार्पण किया, नए मित्र बनाई गई है। वो जमाना गया जब लड़के लड़कियों से मित्रता करते थे, लड़कियां लड़कियों से मित्रता करती थी। अब अगर किसी कॉलेज में कोई लड़की किसी लड़के से मित्रता ना करे या लड़का कोई लड़की से मित्रता ना करे तो उसे आउटडेटेड माना जाता है। बेटियां लड़कियों से भी मित्रता करती है और लड़कों से भी मित्रता करती है।
अच्छे मित्रों का चयन कैसे करें इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. हाउ टू सिलेक्ट गुड फ्रेंड्स. दोस्ती हमेशा सिलेक्ट करके नहीं होती, मित्र हमेशा बनाए नहीं जाते, कभी कभी मित्र बन जाते हैं. ये आकलन कैसे करें अच्छे मित्रों को हमारे समूह में, हमारी किटी में अच्छे मित्रों को कैसे रखें परिवार में, हम क्या इस बारे में बता पाते हैं, जानकारी दे पाते हैं इस वर्कशॉप में. बहुत बेहतरीन तरीके से मित्रों को आइडेंटिफाई कैसे करें, मित्रों का सिलेक्शन कैसे करें और मित्रता हो जाए तो उसमें अच्छे वाले ग्रुप में हम शामिल कैसे हों, ये सारी बातें बेहतरीन प्रैक्टिकल तरीके से, इंप्लीमेंटेबल तरीके से हम इस वर्कशॉप के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं. मित्रों मैं ऐसा फर्म मानता हूं, मेरा फर्म मानना है कि फ्यूचर के सारे रिलेशनशिप्स जो हैं, फ्यूचर में होने वाले सारे रिलेशनशिप दोस्ती पर डिपेंड करते हैं. फर्स्ट सीढ़ी है दोस्ती, ये दोस्ती ही फ्यूचर में रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती है. अच्छी दोस्ती अच्छे रिलेशनशिप, प्रॉब्लमेटिक दोस्ती प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप. अच्छे रिलेशनशिप के लिए अच्छी दोस्ती होना नितांत आवश्यक है. वो कैसे होगी, अगर अच्छी दोस्ती हो, अच्छे लोगों में दोस्ती हुई तो भी सिक्योरिटी और सेफ्टी की चिंता कम हो जाती है. सेल्फ एस्टीम को हाई रखना पड़ता है. सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज है, आत्मविश्वास आत्मसम्मान ये फ्लक्चुएट होने वाली चीज है, ऊपर नीचे होती है. और बेटियों के संदर्भ में तो ये वाली बात बहुत ज्यादा है. और पेरेंट्स हम भी अपनी बेटियों का आत्मविश्वास कम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते, कितनी टोका टोकी, कितना ढूंढ के निकालते हैं, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुमसे तो वो अच्छी. अपने ही बच्चों के संदर्भ में तुलनात्मक परिपेक्ष हम प्रस्तुत करते हैं. इससे सेल्फ एस्टीम आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है. और मित्रों आत्मविश्वास कमजोर हुआ कि ट्रैप में जाने के चांसेस ब्राइट हुए. आज के जमाने में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग ऑर्गेनाइज होकर बेटियों को बहलाने फुसलाने का पूरा तंत्र चला रहे हैं. और कौन सी बेटियों को बहलाया फुसलाया जा सकता है, जिसका आत्मविश्वास कमजोर हो. जिनका आत्मविश्वास भरपूर है, ऊंचा है, जो आत्मविश्वास से लबालब हैं, उन्हें बहलाना फुसलाना आसान नहीं है, वो उन्हें बहलाना फुसलाया नहीं जा सकता. और इसीलिए हमारे परिवार की बेटी, हमारे देश की बेटी का आत्मविश्वास ऊंचा कैसा रह सके, इसके लिए काम करने की जरूरत है. और इस एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल वर्कशॉप के माध्यम से हम भरपूर 3 दिनों की इस वर्कशॉप में, 24 घंटे की इस वर्कशॉप में भरपूर ये वाला काम करते हैं. और एक बार जीवन में जिस बेटी ने ये 3 दिन के एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल वर्कशॉप को अटेंड कर लिया, वो जीवन भर आत्मविश्वास से लबालब रहती है. ऐसा आयोजन, ऐसा सारा प्रसंग इस 3 दिन की वर्कशॉप में प्रस्तुत किया जाता है. मित्रों डायरेक्टली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. मैं बहुत सारी ऐसी बेटियों को जानता हूं जो आज के जमाने में सेफ्टी और सिक्योरिटी के कुछ साधन अपने पर्स में लेकर चलती हैं. एक बिटिया से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा आज के जमाने में सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मैं अपने पर्स में लाल मिर्च का पाउडर लेकर चलती हूं. मैंने उससे कहा कि प्रैक्टिकल करके अभी बता कि तकलीफ में आ गई तो ये लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कैसे करेगी. उसने अपने पर्स का एक चेन खोला, उसके अंदर एक छोटी चेन थी वो चेन खोली, उसके अंदर प्लास्टिक का एक छोटा पाउच था उसको बाहर निकाला, उस पाउच के अंदर लाल मिर्च का पाउडर लगा था, उसकी जिप खोली, उसके अंदर अपनी 2 छोटी छोटी उंगलियां लगाई और तब जाकर मिर्च पाउडर बाहर आया. मैंने उससे पूछा कि तकलीफ देने वाला कोई लड़का हो, कोई समूह हो, तो क्या इतनी देर अपने लिए इंतजार करते खड़ा रहेगा. इम्प्रैक्टिकल बात. तो प्रैक्टिकल बात क्या होगी, ढेर सारी प्रैक्टिकल बात
एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल वर्कशॉप के माध्यम से 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर अपनी सेफ्टी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इस वर्कशॉप के माध्यम से इन बेटियों को बताने का प्रयास किया जाता है। सुरक्षा बहुत जरूरी है, सेफ्टी बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे मेंटल अलर्टनेस, हमारा एटीट्यूड, हमारा अपने बारे में हमारा दृष्टिकोण, हमारी समझ, हम कहां हैं, कैसे हैं। मेरा अपना मानना यह है 16 दिसंबर को दिल्ली में जो घटना हुई वो घटना नहीं घटती अगर मेंटली अलर्ट रहता वो वाला फ्रेंड फ्रेंड का जोड़ा। ऐसे कितने प्रसंग, बंबई में जो घटना हुई वो मील के अंदर, अगर मेंटली अलर्ट होते क्या जरूरत है जहां नहीं जाने की आवश्यकता, वहां क्यों घुसते हैं हम लोग। ये मेंटली अलर्ट रहने की बात है, समझाइश की बात है। जो प्रसंग होते हैं उस प्रसंग में अगर हम सचेत रहे, हम सावधान रहे, तो आधी बातों में हमारी सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं, और अगर अटक ही जाए तो 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर अपनी सुरक्षा का इंतजाम हम कैसे करें, यह वाली बात घर में कहां मालूम पड़ती है, कौन बताता है, कौन अपनी बेटियों को यह सब बात दे रहा है। इस वर्कशॉप के माध्यम से, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल के इस वर्कशॉप के माध्यम से हम बेटियों को सक्षम बनाते हैं कि अपनी स्वयं की सुरक्षा हम स्वयं करें, और ऐसी टेक्निक देते हैं, और एक दो टेक्निक नहीं, 10-10 टेक्निक, 10-10 प्रैक्टिकल टेक्निक इस कोर्स के माध्यम से हम देने का प्रयास करते हैं कि अपनी सेल्फ सिक्योरिटी एंड सेल्फ सेफ्टी हमारे हाथ में, हम खुद कर सकते हैं। और वो सब कैसे, ये सारी बातें इस वर्कशॉप में है मित्रों, और मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, यहां आए हुए लोगों से, कि ये वर्कशॉप मात्र एक कार्यक्रम नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, मेरे ये सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जो पूरे देश से आए हुए हैं, मुझे ढेर सारी अपेक्षाएं मित्रों आप सब लोगों से, और वो क्या क्या अपेक्षाएं कल शाम के सत्र में मैं बात करने वाला हूं आपसे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल ये मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सोच है, ये एक मूवमेंट है, और देश की हर बेटी को इस सोच के साथ में एसोसिएट कराना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है और फर्ज है। और उसके लिए हमें काम करना होगा, केवल समाज में नहीं बल्कि देश की बेटियों के लिए काम करना होगा। और इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है, हर शहर से आए हुए लोगों से विनम्र निवेदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आप लोगों ने मुझे गौरव प्रदान किया, आपने मुझे एक्सेप्ट किया, आदरणीय मुथा जी ने मुझ पर भरोसा कर ये पद मुझे दिया और आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, और इसीलिए आप लोगों से अपेक्षा व्यक्त करना चाहता हूं, ढेर सारे मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ता मित्रों से जो देश भर से यहां पर आए हुए हैं, आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि अपने अपने शहर में हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस, यहां पर ये एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल जो कि पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट हम ले जाना चाहते हैं, कोई शुल्क नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, इससे एसोसिएट कराइए। इसकी ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, इसकी कन्वेंशनल क्लासेस हो सकती हैं, ट्रेनर बनाकर देने की हमारी मानसिकता है, और ये सारी बातों का जिम्मा, मैं पदाधिकारी हूं नहीं, मैं अध्यक्ष हूं नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, मैं ये कैसे काम करूं, ये सब चीज, ये सब सोच को पीछे रखिए, मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और ये सारा काम मुझे करने की आवश्यकता है, इसलिए ये काम मैंने करना ही है, ये प्रण हमने लेना चाहिए। केवल बोलने से नहीं होगा, केवल बोलने से चीजों में बदलाव नहीं आएगा, जिम्मा हमारे ऊपर लेना का चाहिए, यह हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया और टेक्नोलॉजी, आज के जमाने में मीडिया और टेक्नोलॉजी बड़े प्रभावशाली साधन है, आज के युवावस्था के बच्चे मीडिया और टेक्नोलॉजी के बिना जी नहीं सकते, अधिकांश केसेस जितनी होती है ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। मोबाइल और इंटरनेट ये एक ऐसे साधन हो गए हैं कि किसी को मालूम नहीं पड़े और डायरेक्ट चीज हाथ में, डायरेक्ट मैसेज हाथ में, डायरेक्ट फोटो हाथ में, डायरेक्ट वीडियो हाथ में, हर चीज डायरेक्ट हाथ में आती है बिना किसी के बीच में व्यवधान स्थापित हुए, हर चीज फिंगर टिप पे उपलब्ध हो गई है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे करें टेक्नोलॉजी का, अनवॉन्टेड चीजों से कैसे बचें, आज के जमाने में ये
ये साधन जो है टेक्नोलॉजी के, ये साधन, ये मिराकल है आज के जमाने के। और ये मिराकल के साथ साथ मित्रों, जब भी जो चमत्कार आता है इस दुनिया में अवतरित होता है कोई चमत्कार, उसके साथ में अभिशाप साथ आता है। केवल चमत्कार नहीं आता, अभिशाप साथ में आता है। मैं हमेशा अपने वक्तव्य में कहता हूं कि उस राजा को जब यह वरदान मिला कि जिसे छू दे वो सोना, सुनिए ना वो कहानी हम लोगों ने स्कूलों में, वो केवल वरदान नहीं मिला, अभिशाप साथ में चला आया। 15 मिनट बाद फिर पूजा करनी पड़ी और फिर प्रभु को बुलाना पड़ा और कहना पड़ा कि ये जो आपने वरदान मुझे दिया वापस ले जाएं। मगर आज के जमाने के ये जो वरदान है, ये वरदान वापस न जाने वाले वरदान है। यहां तो रोज नए 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 वरदान आ रहे हैं, रोज नई चीज डेवलप हो रही है। और जितने ये वरदान आते जा रहे हैं, साथ साथ इनके अभिशाप साथ में आ रहे हैं, प्रॉब्लम साथ में आ रही है। और इसीलिए सोच देने की जरूरत है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हमारे स्वयं के हाथ में वो बात है, किस तरीके से इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, कैसे इसकी प्रॉब्लम से बचें, कौन बताएगा ये बात, कौन समझाएगा ये बात, परिवार के लोगों को, पेरेंट्स को वैसे ही कम मालूम है इनके बारे में बातें। मीडिया, रोजमर्रा की मीडिया में हम जो कुछ देख रहे हैं उसका माइंड पे इंपैक्ट करता पड़ता है। मैं कई बार कहता हूं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका हम पे असर होता है। व्हाट वी सी वी टेंड टू डू। क्या आ रहा है मीडिया में, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और इनसे बचना कैसे चाहिए, ये निगेटिविटी से बचना कैसे चाहिए, क्योंकि हम ये प्रभाव कम नहीं कर सकते। मुझे कुछ लोग कहते हैं रिमोट हमारे हाथ में रहता है, हमने टीवी, हमारे बच्चे 12th में 10th में है तो हमने टीवी बंद करवा दी। ये सब बेकार बातें हैं। बंधन से चीजों में बदलाव नहीं आएगा, सोच बदलने से बदलाव आएगा। और ये सोच कैसे बदलेंगे, नई पीढ़ी को नए तरीके की प्रैक्टिकल और पॉजिटिव सोच कैसे देंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि पीढ़ी से इसको विड्रॉ कर लो, टेक्नोलॉजी को विड्रॉ कर लो, मीडिया को विड्रॉ कर लो, ये हो नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल बात है। तो प्रैक्टिकल बात क्या है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, ये सोच देने की आवश्यकता है। और ये वाली सोच एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल इस वर्कशॉप के माध्यम से कूट कूट कर दी जाती है प्रैक्टिकली। और इसीलिए मित्रों, मेरा विनम्र निवेदन मेरे समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से कि हमारी सामाजिक दायित्व है, हमारा सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने तक ना रखें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने शहर में और संस्थाओं को जोड़ें, अपने शहर में और अपने समकक्ष विचारधारा, अपने साथ विचार करने वाले लोगों को साथ में जोड़ें। ये बात केवल अपने तक सीमित ना रखें, यहां पर सीमा बांधने की बात नहीं है, यहां पर संस्था के बैनर की बात नहीं है। मैंने पूरी परिवर्तन यात्रा में कहा संस्था के बैनर का कोई मायने नहीं। ये सारा काम जो पिछले 10 साल में रिसर्च बेस हमने तैयार किया है बेटियों के संदर्भ में, अगर ये सारा काम देश के हित में प्रस्तुत करने के लिए हमारे नाम को भी कोई सामने न रखे तो चलता है, लेकिन देश की बेटी, अंतिम बेटी तक बात पहुंचनी चाहिए, ये वाले सोच के साथ हमने काम करने की आवश्यकता है। बैनर इज इमटेरियल। जिस काम के लिए, जिस सोच से ये वाला प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, वो सोच को अंतिम बेटी तक ले जाना, ये हमारे मन में इस राष्ट्रीय अधिवेशन 2014 में हमने प्रण करना चाहिए। हमने अपने ऊपर ये वाली जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये सामाजिक जिम्मेदारी का हमारे ऊपर आज हमने संकल्प करना चाहिए, और तब इस देश की बेटियों के कंसर्न और इश्यूज को हम व्यवस्थित तरीके से डील कर सकेंगे। मित्रों, आप सबके ऊपर मुझे बेहद भरोसा है, पूरा विश्वास है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपके हाथों, आपके माध्यम से इस देश की बेटियों को सुरक्षा और सेफ्टी का माहौल मिले, सुकून का माहौल मिले, उनके कंसर्न्स और इश्यूज कम हो, ऐसे सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मन में वो सोच पैदा हो, हमारे मन में वो सारी बातें एक सामाजिक जानिव के रूप में, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें जन्म मिला है तो जन्म केवल मेरे लिए,
मेरे खाने पीने के लिए, मेरे व्यापार के लिए और मेरे अपने परिवार, एक बीवी दो बच्चे, मात्र इनके लिए नहीं जन्म मेरा हुआ है, वो अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए हुआ है। भगवान हमें सद्बुद्धि दे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद, जय महावीर। Thank you.